नमस्कार साथियों, आज हम आपको ले आए हैं पिथौरागढ़ के श्री रामचंद्र मिशन आश्रम केंद्र से। वहाँ से ये शहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। मार्केट दूर यहाँ से दिखता हुआ, शहर की बड़ी सुंदर सी पहाड़ियाँ। ये जो परिसर है ये GIC और हुड़ेती गांव के नज़दीक, यहाँ से बड़ा मनोहारी दृश्य आपको यहाँ से भी मिलेगा। सुंदर सी पहाड़ियाँ, टापू के हम काफ़ी नज़दीक हैं। ये जो हम टापू का जिक्र करते आ रहे हैं, यह है पपदेव की गांव के पास बसा हुआ। इसके एक तरफ पपदेव गांव है और दूसरी तरफ जाने पर आपको क्या मिलेगा, पौण गांव, और ये चंडाक से ऊपर की पर्वत श्रृंखलाएँ। ये परिसर बहुत शांत जगह पर बसा हुआ है। ये उसका कैंपस है, ये यहाँ पर आए हुए आगुंतक और यहाँ के केयरटेकर में से एक हमारे भट्टी। और ये परिसर डाइनिंग हॉल है इसका, और ये सामने डॉर्मेट्री रेस्ट रूम जहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं रात्रि में। और ये यहाँ का प्रमुख ध्यान केंद्र, बैक साइड से इसको ले रहे हैं, ये इसमें बनी हुई गुंबद। अगर आप कभी नारायण आश्रम विजिट किए हों तो उसका हल्का झलक मिलता है इस आश्रम में। और ये घना बसा हुआ पिथौरागढ़ शहर, उसकी अपनी एक सुंदरता है। ये सुंदर से पेड़ पौधे, हरियाली छाई हुई है, बहुत अच्छे यहाँ फूल वृक्ष आपको दिखाई देंगे। ये उल्का देवी, कौशल्या देवी का परिसर, ये घने पेड़ और उसके ऊपर ही बना हुआ है कौशल्या देवी मंदिर। तो ये वहाँ का चारों तरफ का नज़ारा हम आपको लेके आए हैं, तो ऐसे ही नज़ारे फिर आपको दिखाएंगे। ये हिसाड़ की पहाड़ी, थोड़ा वहाँ सूरज की चमक ज़्यादा है, और ये पूरा 360 हम आपको ले आए फिर से घुमाकर उसी जगह पर। तो ऐसे ही दृश्य आपको फिर बार बार दिखते रहेंगे। इन्हीं सारी बातों के साथ फिर आपसे रुख्सत होते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।